हेलो दोस्तों की हाल चाल है दोस्तों आज आपके लेके आ गए एक और न्यू वीडियो आज की वीडियो में बात करेंगे हम एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के एग्जाम के बारे में और आप सभी की कमेंट आ रही थी तो उनके सवालों के जवाब देने वाले हैं और बात करेंगे आप सभी की अगली वैकेंसी के बारे में एयरफोर्स की अगली वैकेंसी कब आएंगी ये सभी जरूरी बातें करने वाले हैं आज की वीडियो में ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हम एयरफोर्स से जुड़े पल पल के अपडेट लाते रहते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के मैं नाम राम है आप देख रहे हैं जी स्टडी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट दोस्तों एग्जाम को लेकर आप सभी की कमेंट आती रहती है मगर कुछ दिनों से आप सभी की बहुत कमेंट आ रहा है यानी कि फेक न्यूज़ पर यानी कि आप सभी कमेंट आ रहा है कि सर इस बार जो वैकेंसी थी या क्या रद्द हो जाएंगी इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा ये बहुत कमेंट आ रहा है आप सभी का क्या इस बार एग्ज़ाम होगा कि नहीं एग्ज़ाम जून में होगा या जुलाई में होगा यानी कि बहुत फेक न्यूज़ बननी है एग्ज़ाम को लेकर तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के एग्ज़ाम के बारे में हमने आप सभी से एक बात की थी यानी कि कुछ भी अपडेट आता है एयरफोर्स का इंडियन एयरफोर्स का कुछ भी अपडेट आता है आप इंडियन एयरफोर्स की साइट पर जाएँ चेक करें आप फिजूल की बातों पर ध्यान देना बंद करें हमने पिछली बार भी आप सभी से कहा था यानी कि कुछ भी अपडेट आएगा इंडियन एयरफोर्स की साइट पर आएगा आप ऐसी फेक न्यूज़ों पर ध्यान देना बंद करें तभी दोस्तों आप सभी फ़ायदे में रह पाओगे आप सभी मानते नहीं हैं और ये दोस्तों फेक न्यूज़ यानी कि बहुत फैल रहा है एग्ज़ाम को लेकर ऐसी चीज़ों से दूर रहें और दोस्तों एक भाई का कमेंट आया था कि सर इंडियन एयरफोर्स की अगली वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी और एग्ज़ाम होगा कि नहीं आज इन बातों का सभी का जवाब देने वाले हैं हम दोस्तों आप सभी का एग्ज़ाम कब तक होगा यानी कि एयरफोर्स ने आपको साफ साफ कह दिया है कि आप सभी की एग्ज़ाम डेट पता पड़ेगी थर्ड वीक यानी कि मई की थर्ड वीक को आप सभी की एग्ज़ाम डेट पता पड़ेगी सभी को पता होगा दोस्त तब भी दोस्तों फेक न्यूज़ बहुत फैल रहा है कि इस बार एग्ज़ाम आप सभी का रद्द हो जाएगा ऐसा नहीं है मेरे भाई आप सभी का एग्जाम होगा आप सभी सिर्फ तैयारी करें अपना अपना आप सभी का एग्ज़ाम होगा चिंता ना करें और हम आप सभी को यह नहीं कह सकते कि आप सभी का एग्जाम इस महीने में होगा या इस महीने में होगा आप सभी की एग्जाम डेट जो पता पड़ेगी वो अब मई की वीक को पता पड़ेगी आप सभी की एग्जाम डेट पता पड़ेगी मई की वीक को और इस बार एग्जाम आप सभी के होंगे तो चिंता ना करें आप सभी का देर सवेर हो जाएगी आप सभी के एग्ज़ाम होंगे मगर आप सभी दोस्तों फेक न्यूज़ों पर ध्यान देना बंद करें आप सभी सिर्फ अपना तैयारी करें तैयारी पर ध्यान दीजिए आप सभी जितना तैयारी पर ध्यान दोगे उतना फ़ायदे में है आप सभी तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि मई की थर्ड वीक को हमारी एग्जाम डेट पता पड़ेगी आप सभी के एग्ज़ाम डेट कब हो सकते हैं ये भी है आप सभी के एग्ज़ाम डेट बढ़ाई जा सकती है यदि हालात तो नहीं सुधरे तो और दोस्तों आप सभी की थर्ड वीक को पता पड़ेगी जो भी फेक न्यूज़ फैल रहा है या वीडियो बनना है कि हमारा एग्ज़ाम जुलाई में हो गया जून में होगा ये दोस्तों श्योर नहीं है कि आप सभी का एग्जाम हो सकता है यदि हालात ठीक ठाक रहे तो आप सभी के एग्ज़ाम जुलाई में हो सकता है यदि ऐसे ही हालात रहे तो ये भी आगे पोस्टपोन की जा सकती है आप सभी के एग्ज़ाम डेट तो दोस्तों ऐसी चीज़ों से मेरी मानना है कि दूर रहें आप सभी और अपनी तैयारी पर फोकस रखें सिर्फ अपना इस बार हमें सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ अपनी तैयारी करें आप सभी और अब बात कर लेते हैं हम आप सभी की अगली वैकेंसी के बारे में आप सभी की अगली वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी बहुतों की कमेंट आई थी कि सर एयरफोर्स की वैकेंसी कब तक आएंगी क्या इस बार वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी हमें बता दीजिए हम आपको बता दें इस बार आप सभी की वैकेंसी आएंगी चिंता न करें आप सभी की जैसे हर साल रूटीन चलता था ऐसे ही आप सभी का रूटीन चलेगा इस बार भी साल में दो बार वैकेंसी आती थी तो साल में दो बार वैकेंसी आएंगी तो चिंता न करें आप सभी की वैकेंसी आएंगी और आप सब कहोगे कि सर अगली वैकेंसी कब तक आएंगी हमें बता दीजिए अरे मेरे भाई आप सभी को बता दें आप सभी की जो हर साल वैकेंसी आती थी वो आती थी जून की लास्ट वीक में या जुलाई की फर्स्ट वीक में आप सभी की वैकेंसी आ जाती थी इंडियन एयरफोर्स की मगर दोस्तों पहले जैसे हालात नहीं रहे हैं सिर्फ आप धीरज रखें आप सभी की वैकेंसी आएंगी कब तक आएंगी आप सभी को बता दें यदि आप मान के चलें आप सभी के एग्ज़ाम जुलाई में होए तो जुलाई में होने के बाद आप सभी की तुरंत बाद इसके तुरंत बाद एग्जाम ख़त्म होने के बाद आप सभी की अगली वैकेंसी आ जाएंगी तो चिंता ना करें बस आप सभी धीरज रखें हालात ठीक हों दो दोस्तों सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा तो आप सभी का एग्ज़ाम भी होगा अगली भर्ती भी आएंगी जो भी फेक न्यूज़ फैल रहा है तो इस पर गौर देना बंद करें आप सभी ध्यान दीजिए मत ना दोस्तों और कुछ भी अपडेट आता है आप सभी इंडियन एयरफोर्स की साइट को विजिट करके देखते रहें जो भी अपडेट आएगा इस साइट पर आएगा तो इस साइट को चेक करते रहें तो इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि मई की थर्ड वीक को यानी कि आप सभी की फ़्रेश डेट आएगी आप सभी के एग्ज़ाम कब तक हो सकता है तो चिंता ना करें एयरफोर्स की साइट को विजिट करके देखते रहें आप सभी तो कुछ भी अपडेट आएगा इस साइट पर आएगा हमने आप सभी को बारीकी से बता दिया आप सभी की वैकेंसी के बारे में और आप सभी के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं आप सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए फेक न्यूज़ पर ध्यान मत दीजिए आप सभी कुछ भी पूछना हो आप सभी को नीचे कमेंट कर देना उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बगल वाली घंटी दबा देना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जय हिंद